दोस्तों आप सभी को होली की बहुत बहुत और बहुत शुभकामनाएं। आज होली पे मैं आप लोगों के साथ एकदम नए तरीके से कांजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको ना तो धूप की ज़रूरत है ना दो तीन दिन की ज़रूरत है। फटाफट बनाइए, फटाफट पीजिए, एकदम परफेक्ट, एकदम ज़बरदस्त कांजी बनकर तैयार होगी। नॉर्मली जब हम कांजी बनाते हैं जल्दी पी लेते हैं तो खट्टी नहीं होती, ज़्यादा समय हो जाता है, एक अजीब सी स्मेल आ जाती है जो किसी को पसंद नहीं आती। तो नए तरीके से कांजी बनाते हैं। वीडियो पसंद आए कमेंट लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाय गाइस, मैं कल्पना महेश्वरी, अपने चैनल महेश्वरी रेसिपी में आप सभी का स्वागत। एकदम झटपट और बहुत ही टेस्टी कांजी बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लीजिए 2 लीटर जितना पानी या रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी, जिसे अच्छे से उबाल लीजिए और ठंडा कर लीजिए। जितने हमारा पानी उबलता है और ठंडा होता है इतने हम करते हैं कांजी के लिए वड़ों की तैयारी। तो उसके लिए आधा कप जितनी मैंने मूंग की दाल ले लिया है। इसके लिए आपको छिलके वाली दाल नहीं लेनी है, ये पीली वाली जो दाल होती है इसी का इस्तेमाल करना है। इसी से कांजी वड़ा परफेक्ट बनता है, एकदम आपको मैं बहुत इजी वे शेयर करने वाली हूँ। और दाल को मैंने करीब 2 घंटे के लिए भिगोया और उसके बाद इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। ये भी प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, दाल में अगर ज़्यादा पानी रह जाता है तो शेप प्रॉपर नहीं आती है, इसलिए चलनी में डाल दें, पानी निकल जाएगा, और उसके बाद मिक्सी के जार में डालें और दाल को आप एकदम फाइन पीस कर तैयार कर लें। इसके लिए आप दरदरी दाल ना रखें। तो ये मैंने मिक्सी के जार में डाला और बिल्कुल 1 छोटी चम्मच जितना मैंने इसमें पानी डाल दिया है, जिससे मिक्सी आसानी से चल सके, सिर्फ उतना ही पानी डालना है। और ये देखिए हमारी एकदम परफेक्ट और एकदम फाइन दाल पीस के तैयार है। उसके बाद मैंने दाल को कर लिया एक बड़े से मिक्सिंग बाउल के अंदर, क्योंकि इसके बाद बारी है फ्रांस से फेंटने की। उससे पहले इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी। कांजी के आप वड़े कभी भी बनाएं हींग जरूर डालें फ्रेंड्स। अगर आपको और भी ज़्यादा जल्दी है, आप कोई प्रोसेस नहीं करना चाहते, तो आप इसके वड़े बेसन के साथ बना सकते हैं, वो भी अच्छे लगेंगे। लेकिन परफेक्ट टेस्ट के लिए आप मूंग की दाल के वड़े ही बनाइए। और ये देखिए मैंने दाल को करीब 4 से 5 मिनट फेंटा, दाल फिट के तैयार हुई। इधर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया और जैसे ही ऑयल हुआ मीडियम गर्म, उसके अंदर हम एकदम छोटे छोटे साइज के वड़े तोड़ देंगे। कांजी वड़े के लिए आप कभी भी वड़े बनाएं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाए ना बनाएं, छोटे छोटे साइज़ के वड़े कांजी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखिए एकदम गोल मटोल से छोटे छोटे लड्डू जैसे हमारे वड़े बनकर तैयार हुए हैं। क्या बढ़िया शानदार कलर आ गया है। जब वड़ों पर इस तरीके का कलर आ जाए आप इन्हें निकाल लीजिए। सेकने में फ्रेंड्स से 5 से 6 मिनट का समय लग जाता है, और आप चाहें तो पानी उबाल सकते हैं या आप आरओ के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 2 किलो पानी में मैंने डाल दिया 10 ग्राम जितना नमक और 1 टीस्पून जितनी डाल दी पीली मिर्चें, ये काफ़ी तीखी होती हैं और इनसे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, और 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल दिया। फ्रेंड्स एकदम लिमिटेड मसाले जाएंगे और आपको जो टेस्ट मिलेगा ना वो अमेजिंग मिलने वाला है। और उसके बाद डालेंगे 1 पिंच जितनी हींग, और हींग को तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये गया 1/4 टीस्पून जितना सूखा हुआ पुदीना, जिसको मैंने पाउडर फॉर्म में रखा है। 1 टेबलस्पून जितनी चीनी, इससे आपका जो ये कांची का पानी है मीठा नहीं होगा, बस टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और एकदम प्रॉपर टेस्ट देने के लिए ये मैंने ली है 1/2 टीस्पून जितनी पिसी हुई राई, और राई डालने से काफ़ी कुछ आपको वैसा ही टेस्ट और टेक्सचर मिलेगा। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है फ्रेंड्स साठरी, 1/2 टीस्पून जितनी लिया, और ये बहुत ही ज़्यादा खट्टी होती है। 1/2 टीस्पून का मतलब होता है जो नॉर्मल हम घर में सब्जी खाने के लिए चम्मच इस्तेमाल करते हैं वो वाली आधी चम्मच। और बस ये देखिए एकदम इंस्टेंट और एकदम खट्टा खट्टा आपका पानी तैयार हो गया है। और अगर आपको इसमें मसाले थोड़े कम या ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इस समय इसे टेस्ट कर सकते हैं। और ये मैंने डाल दी 1/2 कप जितनी बूंदी, और उसके बाद डाल दी अपने ये जो हमने कांची के लिए वड़े बनाए थे। फ्रेंड्स यकीन मानिए ये खाने में इतने टेस्टी थे और ये पानी पीने में अमेजिंग था, आपको बहुत पसंद आएगा और पेट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इसमें साठी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें 4 नींबू का रस डाल सकते हैं, वो भी वही काम कर जाएगा। तो चलिए अब इसकी हो गई सर्विंग, और देखिए क्या मज़ेदार हमारी कांजी लग रही है। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डाल दिए, जिससे लुक और भी अच्छा हो गया है। तो फ्रेंड्स है ना, कांजी बनाने का एकदम नया और अनोखा तरीका आपको बेहद पसंद आने वाला है। अगर आप होली पर कांजी बनाना चाहते हैं, दाल भिगोना भूल गए हैं या आपको टाइम की कमी है, इस तरीके से कांजी बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल भी रहेगी। तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें और होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।